के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक हे महाश्रमण युग नायक हे महाश्रमण युग नायक जन जन के मन में व्याप्त तिमिर के तुम हो मुक्ति प्रदायक हे महाश्रमण युग नायक हे महाश्रमण युग नायक महापुरुषों की दिव्य दृष्टि ने तेरा रूप निखारा जय महाश्रमण जय महाश्रमण जय महाश्रमण संबोधि के पांचवें अध्याय के प्रारंभ में संवाद के दौरान मुनि मेघ भगवान महावीर के सामने एक जिज्ञासा प्रस्तुत करते हैं। प्रभो तवोपदेशेन ज्ञातम मोक्ष सुखम मया व्यासेन साधनान्यस्य ज्ञातुमिच्छामि साम्प्रतम। मुनि मेघ बोला कि भगवान आपके मुख से मैंने मोक्ष सुख के बारे में सुन लिया है, आत्मानंद के बारे में जान लिया है। उसे सुनने और जानने के बाद मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है, वह मैं आपके श्री चरणों में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रभो मेरी जिज्ञासा यह है कि जो आपने मोक्ष सुख बतलाया है, आत्म सुख बतलाया है, उसे पाने का उपाय क्या है, साधन क्या है, उन उपायों साधनों को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान महावीर ने उत्तर दिया, ज्ञान दर्शन चारित्र त्रयी तस्यास्ति साधनम् स धर्मः प्रोच्यते धीमन विस्तरम श्रृणु साशयम्। भगवान महावीर कहते हैं कि वत्स, जो मैंने मोक्ष सुख बताया है उसके साधन है ज्ञान दर्शन और चारित्र। आचार्य उमास्वाति की भाषा में कहूं, जो तत्वार्थ सूत्र में संप्राप्त है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र यह मोक्ष का मार्ग है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया था कि ये तीनों मिलकर के एक मार्ग बनता है, मोक्ष मार्ग है, मार्ग एक ही है, वह तीनों का योग, सम्यक दर्शन भी चाहिए, सम्यक ज्ञान भी चाहिए, सम्यक चारित्र भी चाहिए, तीनों की युति होती है वह मोक्ष का मार्ग बनता है। जैसे खीर तब बनती है जब चावल भी हो दूध भी हो, चावल दूध और चीनी तीनों का योग होने से खीर बनती है, आटा घी और चीनी तीनों का योग मिल जाने से शीरा बन जाता है। इसी तरह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का योग होने से मोक्ष मार्ग बन जाता है। भगवान महावीर ने कहा कि मेघ, मैं तुम्हें उसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, संक्षेप में इतनी सी बात है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचार यह मोक्ष का उपाय है, मोक्ष सुख को पाने का साधन है। जैन वाङ्मय में कहीं तो तीन उल्लिखित होते हैं और कहीं कहीं चार का उल्लेख भी मिलता है। जैसा कि उत्तराध्ययन में कहा गया है,
नाणम च दंशनम चेव चरितम च तवोतहा एस मग्गोत्पन्नत्तो जिने हिं वर दंशी हिं। चार बता दिए गए, ज्ञान दर्शन चारित्र और तप, ये चार हैं मोक्ष का मार्ग है। जहां तप को चारित्र के अंतर्गत ले लिया जाए तो तीन से ही काम चल जाता है, और तप की अलग से विवक्षा की जाती है तो संख्या चार हो जाती है। वह विवक्षा की बात है, तप को अंतर्गत करे या अलग से उल्लिखित करे। मुख्य बात है कि ज्ञान दर्शन चारित्र तप की आराधना करना। इनकी आराधना करने वाला जो व्यक्ति होता है वह व्यक्ति मोक्ष सुखों को प्राप्त कर सकता है। अपनी आत्मा के आसपास रहने का अभ्यास उसे प्राप्त हो सकता है। हम सामान्यतया व्यवहार में भी देखें कि जहां अच्छा व्यवहार है, अच्छा आचार है, वहां शांति रहती है। मोक्ष सुख तो बहुत बड़ी बात है, आगे की बात है। सामान्य रूप में हमारे जीवन में भी देखें, अगर जीवन में सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है और सम्यक आचार है तो हमें यहां भी शांति मिल जाती है। इहैव मोक्ष है सुविहितानाम। उमा स्वाति ने कहा कि यहीं पर मोक्ष है किन के लिए, जो सुविहित हैं, निर्जित मद मदना नाम, मनोवाक काय विकार रहिता नाम, विनिवृत्त पराशा नाम, इहैव मोक्ष है सुविहिता नाम। उनके लिए तो यही मोक्ष है जिन्होंने मदन और मद, काम और अहंकार को नष्ट कर दिया है। मनो विकार, वाग विकार और काय विकार से जो मुक्त हो गए हैं, आशा लालसा को छोड़ दिया है, उनके लिए तो यही मोक्ष होता है। तो हमारे व्यवहार में अगर आचार ठीक है, ज्ञान हमारा ठीक है, श्रद्धा ठीक है, हमें यहां भी सुख मिलता है। एक राजा अपने पड़ोसी राज्य में गया और वहां के राजा से मिला, काफी लंबा वार्तालाप हुआ। तो जो पड़ोसी राजा था उसने अपने राज्य की स्थिति के बारे में जानकारी दी कि हमारे यहाँ बड़ी शांति है, जनता खूब शांति आनंद में रह रही है, मानो राम राज्य यहाँ बरत रहा है। तो जो आगंतुक राजा था उसने जानना चाहा कि इतनी शांति यहाँ है कैसे, मेरे यहाँ तो शांति इतनी नहीं रहती है, इस पड़ोसी राजा के राज्य में इतनी शांति कैसे है, क्या कारण है उसका। तो पूछा कि मित्रवर मुझे यह बताओ, आपके राज्य में जो आपने शांति की बात बताई है उसका कारण क्या है। तो पड़ोसी राजा बोला कि मैंने अपने राज्य में चार द्वारपाल स्थापित कर दिए हैं, उनकी बदौलत यहाँ शांति है। तो आगंतुक राजा बोला मैं आपके द्वारपालों से मिलना चाहूंगा, उनमें क्या ऐसी करामात है कि सर्वत्र शांति है। तो पड़ोसी राजा बोला मैं यहीं आपको मिला दूंगा उनसे। देखो मित्रवर, हमारा पहला द्वारपाल है सत्य, दूसरा द्वारपाल है न्याय, तीसरा द्वारपाल है त्याग, चौथा द्वारपाल है प्रेम। ये चार द्वारपाल हमारे राज्य में हैं। हमारे यहाँ जनता में संस्कार ऐसा दिया गया है, दिया जाता है कि झूठ से बचो, सच्चाई के रास्ते पर चलो। कोई व्यापारी झूठ बात कह करके कुछ भी वस्तु नहीं दे सकता, सत्य का प्रयोग करता है। सर्वत्र सत्य का महत्व है, यह हमारा पहला द्वारपाल है। दूसरा द्वारपाल है न्याय। हमारे यहाँ प्रशासन की व्यवस्था में
राज व्यवस्था में अन्याय को स्थान नहीं मिलता, सबके साथ न्याय होता है, निर्दोष है उसे किसी भी हालत में दंडित नहीं किया जाता, और दोषी है उससे डर करके उसको छोड़ा नहीं जाता, दोषी को उचित रूप में दंडित किया जाता है और निर्दोष को दंडित बिल्कुल नहीं किया जाता, अच्छे काम करने वालों की सराहना की जाती है। यानी हमारे राज्य में न्याय की प्रतिष्ठा है। हमें तो अपने पूर्वजों से भी यह संस्कार मिला कि राज्य में अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो न्याय है दूसरा द्वारपाल। तीसरा द्वारपाल है त्याग, कि छोड़ो, त्याग करो, जीवन में त्याग का महत्व है। ज़्यादा धन भी मत रखो, ज़्यादा संग्रह मत करो, त्याग करो, संयम करो। ये त्याग और संयम की प्रेरणा जहाँ खाने में संयम है, रहन सहन में संयम है, व्यवहार में संयम है, यह त्याग हमारा तीसरा द्वारपाल है। और चौथा द्वारपाल है प्रेम। जनता में परस्पर भाईचारा है, प्रेम है, कोई तकलीफ में आ गया पड़ोसी उसके पास जाकर के उसका सहयोग करता है, परस्पर में हमारे प्रेम की भावना रहती है। और ये संस्कार हम विद्यार्थी जीवन से ही देते हैं, विद्यालयी शिक्षा से ही ये संस्कार सत्य, न्याय, त्याग और प्रेम, इनके संस्कार देते हैं। तो हमारी पीढ़ियाँ, पीढ़ी दर पीढ़ी यह संस्कार चल रहा है। जीवन विज्ञान का शिविर लगा हुआ है जो आज संपन्न होने वाला है। स्कूल के विद्यार्थियों में, कॉलेज के विद्यार्थियों में ऐसे संस्कार हों कि उनके मन में सत्य के प्रति आस्था हो जाए, उनके मन में न्याय के प्रति आस्था हो जाए, उनके मन में त्याग और प्रेम के प्रति आस्था हो जाए। ये संस्कार विद्यार्थियों में आ जाते हैं और यों क्रम से आगे ये संस्कार भरे जाते रहते हैं, तो पीढ़ियाँ अच्छी हो जाती हैं, फिर देश में शांति का माहौल बनना संभव काफ़ी अंशों में हो सकता है, प्रजा शांति से जीती है। आगंतुक राजा ने समझा इन बातों को कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, किस प्रकार ट्रेनिंग दी जा रही है। उसने सोचा मैं भी अपने राज्य में ध्यान दूंगा, वह भी अपने राज्य में आया और विद्यार्थी पीढ़ी पर ध्यान देना शुरू किया कि विद्यार्थियों में अच्छे संस्कार भरे जाएं तो हमारे देश की आगे की पीढ़ियां भी अच्छी रह सकेंगी। और वो ध्यान दिया, विद्यार्थी अच्छे बन गए, धीरे धीरे उसके राज्य में भी शांति की प्रतिष्ठापना हो गई। तो शांति की प्रतिष्ठापना बड़ी चीज है, तो मोक्ष सुख तो बहुत ही आगे की बात है। एक सामान्य रूप में भी आचार आदमी का अच्छा हो जाए, व्यवहार अच्छा हो जाए, तो उसे शांति की प्राप्ति हो जाती है। मैं देखता हूँ नशा भी चलता है। हम तो गांवों में भी जाते हैं, चूँकि पदयात्री हैं तो गांवों में भी रुकना होता है, नगरों, बड़े नगरों में भी जाते हैं, और मैंने देखा कि नशा भी चलता है। मैंने यहाँ केलवा में आने के बाद तो एक लक्ष्य दिया कि नशा मुक्त केलवा, केवल ओसवाल नहीं, अन्य समाजों के लोग हैं, जितना संभव हो सके वे भी नशा मुक्त बने, इस दिशा में हमें प्रयास करना है। प्रयास करना आदमी का फर्ज है। तो नशा भी चलता है, और गरीब लोग हैं वो थोड़ा कमाते हैं कुछ, और कुछ फिर वो नशे में गवा भी देते हैं।